देवास जिले के बागली में आंवला नवमी पर प्रसिद्ध जटाशंकर तीर्थ पर अन्नकूट महोत्सव अंतर्गत जिले का सबसे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान की आरती के बाद 56 भोग भी अर्पित किए गए। तीर्थ के संस्थापक ब्रह्मलीन संत श्री केशवदास जी त्यागी फलाहारी बाबा द्वारा 55 वर्ष पूर्व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत आंवला नवमी पर की गई थी। महंत बद्रीदास महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान मंदिर परिसर व फलाहारी बाबा की छतरी पर आकर्षक साज सज्जा भी की गई। वैसे अगर वेदों का अध्ययन करें तो सनातन धर्म के अंदर भगवान श्री कृष्ण से ही अन्नकूट महोत्सव चल रहा है, यानी द्वापर युग से ही, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संत श्री हमारे महाराज श्री केशवदास जी महाराज ने 55 वर्षों पूर्व इस आंवला नवमी महापर्व पर इस आयोजन को प्रारंभ किया था और उनकी सत्प्रेरणा से ये आयोजन चल रहा है, जो पर्यावरण शोधनार्थ सब प्रकार से पर्यावरण का रक्षण के लिए ये आयोजन है। दूसरा ये है कि इस अन्नकूट महोत्सव में इस क्षेत्र की अनेक जनता, असंख्य संख्या निर्धारित नहीं रहती है, असंख्य जनता आती है और प्रसाद ग्रहण करती है, अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करती है। भगवान जटाशंकर महादेव की अनन्य आसीम अनुकंपा इस स्थान पे विद्यमान है और वो सभी को प्रेरित करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।